कांग्रेस नेता शैलवा कुमारी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि भाजपा सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। ये एक फर्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो हमारी पार्टी करती। माननीय प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं देते हैं। आप याद कर लीजिए 15 लाख की बात, और आज के दिन भी छत्तीसगढ़ में जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए, बस्तर इलाके में गए, नगर नार की बात आई तो उनसे पूछा गया, वहां के लोगों ने उनसे वायदा मांगा कि आप बताइए कि स्टील प्लांट को का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया। असलियत सामने है, कहना कुछ होता है, चुनाव के समय बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन बाद में सब चीजों को, सब बातों को भूल जाते हैं। साथियों, हम अपने काम के दम पर ये कहते हैं कि फिर से ना केवल हमारी सरकार बनेगी बल्कि प्रचंड बहुमत से बनेगी। पिछली बार हमारे 68 विधायक जीते, उसके बाद उपचुनावों में 3 और हमारे विधायक बने। आने वाले समय में इस चुनाव में हम 75 का आंकड़ा पार करेंगे। साथियों, आप सबको मालूम है कि 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने डेट्स भी दे दी हैं, अलग अलग राज्यों की तारीखें सामने आ गई हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों में पोलिंग होगी, जो दक्षिण का हिस्सा है जिसमें बस्तर, कांकेर ये सब आता है, वो पहले चरण में 7 तारीख को, 7 नवंबर को वहाँ पर मतदान होगा, और उसके बाद 17 तारीख को बाकी के हिस्से में, जो मोटे तौर पर बीच का और उत्तर का हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर मतदान होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, बल्कि अगर ये कहूँ कि पिछले 5 साल से हम तैयार हैं तो ये गलत नहीं होगा। आज हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपना नारा लेकर भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमने कहा, राहुल गांधी जी ने जो छत्तीसगढ़ के लोगों को वायदा किया वो हमारी सरकार ने पूरा किया, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिए हो, चाहे हमारे जो भूमिहीन मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके लिए न्याय की बात हो, हर तरह से हमने जो कहा वो करके दिखाया। फर्रुखाबाद